कई लोगों को फिल्में या वेब सीरीज देखने का बहुत शौक होता है, कोई उन्हें सिर्फ एंजॉय करता है तो कोई उनसे सीख लेता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। क्या हाल ही में आपने कोई मोटिवेशनल मूवी या सीरीज देखी है? क्या आपको उसकी कहानी ने वाकई मोटिवेट किया है? एक वेब सीरीज ने शिवम पटेल नाम के एक स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी। हाल ही में नीट 2023 के नतीजे जारी किए गए, जिसमें मेरठ के शिवम ने 29वीं रैंक हासिल की। शिवम का कहना है कि उन्होंने नीट की परीक्षा पर बनी एक वेब सीरीज देखी थी, उनके मुताबिक वे उस वेब सीरीज से इंस्पायर हुए। वे उसी वेब सीरीज से प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि वे जमकर मेहनत करेंगे और नीट क्वालिफाई कर लेंगे। शिवम ने नीट परीक्षा में 720 में से 710 अंक हासिल किए। बता दें कि ऑल इंडिया 29वीं रैंक लाने वाले शिवम का स्वागत भी उसी तरह हुआ जैसा उन्होंने वेब सीरीज में देखा था। शिवम ने बताया कि ये उनका सपना था कि एग्जाम क्रैक करने के बाद वे किसी हीरो की तरह अपनी पहचान बनाएं। उनकी प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन आई है। ये मुकाम हासिल करने के बाद शिवम और उनका परिवार बेहद खुश है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवम ने कहा कि उन्होंने रैंक के बारे में नहीं सोचा था, वे बस प्रयास कर रहे थे। उनका कहना है कि वे पढ़ते वक्त ये नहीं देखते थे कि कितने घंटे पढ़ाई की, उन्होंने अपना हर दिन का गोल सेट किया हुआ था। शिवम डॉक्टर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं जारी रखी थी, वे कोरोना वॉरियर बनकर डटे रहे थे। तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि वे डॉक्टर बनेंगे। शिवम एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी ली थी, जहां टेस्ट देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा था। शिवम के टीचर के मुताबिक कोचिंग में किसी भी टेस्ट में शिवम के 700 में से कम मार्क्स नहीं आए थे। शिवम ने बताया कि वे पढ़ाई करने के अलावा फिल्में भी देखते हैं ताकि वे स्ट्रेस फ्री रह सके। शिवम की मां सीमा ने बताया कि उनका बेटा हमेशा से मन लगाकर पढ़ाई करता रहा है, इसलिए वे उसे हर संभव सुविधाएं देते रहने की कोशिश करते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक शिवम के पिता अर्जुन कुमार इलेक्ट्रीशियन हैं। बेटी की सफलता को देखकर उनके पिता इमोशनल हो गए। उनकी बहन की बात करें तो उनकी बहन SGPGI लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।